वंस जो हैव यू नो गिवन द एस पी एस एस के अंदर आपने सारे एनालाइज में जा कर पेयर्ड साम्पल टीचर्स को भी चेक कर लिया उसके अंदर स्टेटिस्टिक्स को भी चेक कर लिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जम्पन्स के लिए आपने uh, सारी चीज़ें चेक कर लीं तो ये आपको आउटपुट देता है क्लिक होके बटन दबाने के बाद सो पेयर्ड सैम्पल टेस्ट में जो पहला हमें टेबल आएगा वो हमारे पास ही इस तरह से आता है विच इज़ कॉल स्टेटिस्टिक्स उसको हम डिस्क्रिप्टिव भी कहते हैं कि आपका मीन आ जाएगा दोनों ग्रुप्स के लिए बिफोर एंड आफ्टर आपका एन साइज स्टैंडर्ड एविएशन और स्टैंडर्ड आ जाएगा सो वी कैन सी फ्रॉम द टू मीन्स दैट हैव लोअर डिप्रेशन स्कोर्स आफ्टर द ट्रीटमेंट पहले उनका एवरेज नाइन था अब उनका सिक्स पॉइंट वन हो गया मीन जो है वो डिक्रीज की है लेकिन हमें यह नहीं पता कि ये सिग्निफिकेंटली डिक्रीज की है कि नहीं स्टैंडर्ड एविएशन ऑल्सो इंडिकेट्सोर इन बोथ कंडीशन आर सिमिलरली uh, डिस्पर्सड बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है स्टैंडर्ड एविशन में तो दोनों ग्रुप्स में हमारी जो अवेलेबलिटी है वो एक जैसी ही है सो हाउ वी गो इंटरप्रेट दम ये हमारे पेयर सैम्पल uh, को रिलेशन का टेबल देता है इंडिपेंडेंट साम्पल टीचर्स में वो ये टेबल नहीं देता सो so इसका मतलब है कि बिफोर और आफ्टर के अंदर वट इज़ द को रिलेशन इट इज माइनस पॉइंट जीरो नाइन सो इट टेल्स अस हाउ द टू कंडीशन रिलेड टू वन एंड अदर दिस टेबल हाउ एवर इज नॉट नेसेसरी फॉर इंटरप्रटेशन ऑफ द टी टेस्ट और हम इसको रिपोर्ट भी फाइनल रिजल्ट में नहीं करते ये हमारा मेन टेबल है जिसके अंदर से हमने चीज़ें निकाल के रिपोर्टिंग में यूज़ करनी है और हमने लगाना है आप देख सकते हैं कि इसमें पहले मीन और स्टैंडर्ड एवियशन और फिर आपका डिफरेंस के लिए एक कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया हुआ है अब देखें कि आपने अगर आइडिया करना है ये हमारा इंटरवल जो है वो ज़ीरो कंटेन नहीं कर रहा तो इसका मतलब रिजल्ट्स हमारे सिग्निफिकेंट होंगे दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं अगर एक वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव हो इसका मतलब कि आर कंटेनिंग जीरो रिजल्ट्स विल नॉट बी सिग्निफिकेंट टी की वैल्यू हमारी जो कैलकुलेटेड है दैट इज 3.34 तो हमारे रिजल्ट जो है दे आर सिग्निफिकेंट वाई सिग्निफिकेंट बिकॉज दिस वैल्यू इज स्मॉलर देन पॉइंट सो इट तो दैट मीन आर सिग्निफिकेंट इन वॉट इट लीड टू इट लीड्स टू रिजेक्ट द नल नाज एंड यू विल से हम अल्टरनेटिव हाइपोथिस जो है वो उसकी फेवर में या उसकी सपोर्ट में हमें एविडेंस मिल रहा है सो वी रिजेक्ट द ना हाइपोथिस बिकॉज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ पियर्ड सी स्मॉलर दैन पॉइंट जीरो फाइव